हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, LIC का IPO बहुत जल्द आने वाला है मार्केट में, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो LIC के IPO में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए, और या फिर अगर हमें करना है निवेश तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना है, थोड़ा आज उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा LIC के IPO के बारे में, और फिर हम लास्ट में एक राय बनाएंगे कि क्या करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, जो भी मैं आज बताने वाला हूँ, दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द व्यूअर। तो आप इस जो डिस्क्लेमर एक बार स्क्रीन पे पढ़ के फिर वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको LIC IPO के पॉजिटिव्स बताऊंगा, लेकिन पॉजिटिव्स बताने से पहले भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, LIC से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है, कोई भी खबर होती है, कोई पॉलिसी है, कोई प्लान है, कोई एग्जाम है, हर चीज से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं इस चैनल पे, और आप पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जो करें, इस तरीके का लाल बटन आपको दिखाई देगा, ये आप प्लीज दबाए ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखी है और कितना आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो देख के। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि LIC का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि वो एक जायंट है, जायंट इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस कंपनी को माना जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 out of 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया आर सोल्ड बाय द LIC। मतलब चार, अगर LIC चार इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर इंडिया में बिकती है लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें से 3 अमूमन LIC बेचती है। इट इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द लाइफ इंश्योरेंस हैज 64% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। द कंपनी ऑल्सो हैज ए नेटवर्क ऑफ 1.34 मिलियन इंश्योरेंस एजेंट। तो आप इन सब चीजों से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और मार्केट शेयर के हिसाब से वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट है। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का। सेकेंड है गोल्ड माइन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, LIC का जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि LIC एक गोल्ड माइन बन चुकी है इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि LIC अभी क्या है, मैनेज करती है एसेट्स अमाउंटिंग टू 39 लाख करोड़। मतलब LIC जो अपना पोर्टफोलियो मैनेज करती है, जो भी उनके इन्वेस्टमेंट है LIC के, वो उनकी टोटल वैल्यू जो है वो 39 करोड़ के आसपास है, विच इज मोर देन द अमाउंट दैट द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज। मतलब जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इंडिया की, उनका जो टोटल फंड है जो मैनेज करते हैं, उससे भी ज्यादा है जो LIC अकेले मैनेज करती है। और जो अमाउंट LIC की है वो इंडियन GDP की 18.5% बनती है, और 16.2 गुना AUM, मतलब AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट इंडियन, मतलब LIC के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में, उसके AUM से 16 गुना लगभग LIC का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो साइज है। तो एज ऑफ सितंबर 2021 LIC का जो इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड इक्विटी सेगमेंट इक्वल 4% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ NSE। मतलब NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है उसका लगभग 4% बनता है सिर्फ और सिर्फ LIC के लिस्टेड इक्विटी सेगमेंट का। तो अपने आप में आप एक फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC कितनी बड़ी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी एक कंपनी है, और इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हैं। तो इनके IPO में निवेश करना बहुत अच्छा एक कदम हो सकता है, ये एक पॉजिटिव था। और एक और पॉजिटिव जो यहाँ पे है, एक ह्यूज नेटवर्क, LIC का अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, लगभग 13.5 लाख इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, 3400 एक्टिव माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट है, 72 बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स है। ऑल्सो द ट्रस्ट इन द ब्रांड LIC कैन बी ऑब्जर्व बाई 282.5 मिलियन एक्टिव पॉलिसीज इन इंडिया एज ऑफ 6 months एंडिंग सितंबर 2021। मतलब जो 2021 से 2022 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अगर 6 महीनों का आंकड़ा देखे जाए तो उसमें 282 मिलियन, मतलब 28.5 करोड़ एक्टिव पॉलिसी है LIC की। आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात से कि LIC कितना कितने ह्यूज लेवल पे काम कर रही है इंडिया में। और
आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक ट्रस्टेड ब्रांड है एलआईसी, जो कि सदियों से चले आ रहा है, सदियों तो नहीं बोलूंगा सालों से चला आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 1956 से देख लीजिए आप, 44 साल और 22 साल, लगभग 66 साल एलआईसी को हो गए हैं मार्केट में काम करते, और मार्केट लीडर शुरुआत से लेके आज तक मार्केट लीडर है एलआईसी। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो एक कंपनी को डिफाइन करती है। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी आईपीओ में निवेश करते हो तो मतलब आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हो, और जब आप निवेश कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब कंपनी बढ़िया बढ़िया होगी, कंपनी का काम करने का तरीका बढ़िया होगा और कंपनी की नेटवर्थ बढ़िया होगी। तो ये चीजें हैं जो एलआईसी के बारे में पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। हम यहाँ पे आज वैसी सिर्फ पॉजिटिव बातें करने नहीं आए हैं, मैं आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी बताऊंगा जो एलआईसी के बारे में है मार्केट में, और फिर आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव एलआईसी का जो आजकल चल रहा है वो है लोअर परसिस्टेंसी रेशो। लोअर परसिस्टेंसी रेशो का क्या मतलब होता है? देखिए परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी खरीदी जाती है तो वो आगे कंटिन्यू रहती है या फिर वो पॉलिसी ब्रेकडाउन में फेज में चली जाती है। तो ये ऑल्दो एलआईसी हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इट इज लूजिंग मार्केट शेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। देखिए अगर मैं मोटा मोटा अगर लास्ट के 3 सालों की बात करूं तो एलआईसी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा गिरा है, और अगर मैं फाइनेंशियल 22 की बात करूं तो अभी जो है इनका परसिस्टेंसी वो 78 से गिर के 60% तक आ चुका है। और जो ये फिगर है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, मतलब जो एलआईसी के अलावा जितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके आंकड़े बेहतर हैं एलआईसी से इन हाल के टाइम में, ठीक है। ऑल्सो एलआईसी न्यू बिजनेस प्रीमियम जो कि एनबीपी जिसको बोला जाता है, हैव ग्रोन एट 14% सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एज कम्पेयर टू 18% सीएजीआर। मतलब प्राइवेट कंपनी 18% के सीएजीआर से ग्रो कर रही है तो एलआईसी 14% के सीएजीआर से ग्रो कर रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एलआईसी के अलावा जो बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है हाल के टाइम में उनका ग्रोथ रेट एलआईसी से ज्यादा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो एलआईसी को पीछे छोड़ दें, या फिर उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा तो उनका शेयर, और नॉर्मल सी बात है फिर उनके शेयर में ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी आपको इन कंपेरिजन टू एलआईसी के शेयर। तो ये एक नेगेटिव चीज है एलआईसी के बारे में। सेकेंड नेगेटिव चीज है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखिए मैं इसको आपको मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। देखिए कोई भी कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर बैंकरप्सी फेस करता है इंडिया में तो गवर्नमेंट एलआईसी को यूज करती है उनको बचाने के लिए। जैसे कि हाल ही में क्या हुआ था, आईडीबीआई बैंक का सिनेरियो था जिसमें बैंक ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ चला गया था, तो वहां से एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% शेयर स्टेक लिया था और 21,600 करोड़ रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी। उसके बाद फिर 4,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी आई थी। तो ये सब जो चीजें हैं इन सब चीजों में ठीक है आप दूसरे बैंक्स को बचा रहे हो, दूसरे इंस्टीट्यूशन को बचा रहे हो, एलआईसी कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है वो बात अच्छी है, लेकिन जब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जब आप शेयर होल्डर आ जाएंगे तो शेयर होल्डर इस चीज को शायद एक्सेप्ट ना करें कि उनका जो उन जिन जिस कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का पैसा फिर कहीं और पे यूज हो रहा है, जो कि किसी की किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और बैंक को बचाने के लिए यूज हो रहा है, तो ये शायद शेयर होल्डर के हित में ना हो। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है माइट आस्क देम टू टेक एक्शन दैट मे बी अगेंस्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट शेयर द कंपनीज आईपीओ प्रोस्पेक्टस। जो एलआईसी ने अपना प्रोस्पेक्टस शेयर किया था आईपीओ का, उसमें उन्होंने यही शेयर किया था कि अगर ऐसी कोई चीज बनती है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एलआईसी को ऐसा करने से मना भी कर सकती है। तो ये एक चीज है ओवरऑल जो एलआईसी के अब तक नेगेटिव रही है जो कि फ्यूचर में भी रह सकती है। लास्ट चीज जो है एक नेगेटिव मैं बताऊंगा आपको, लास्ट तो नहीं है सेकंड लास्ट है, लो वीएनबी मार्जिन्स। वीएनबी क्या होता है? वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। देखिए एलआईसी के जो वीएनबी रहे हैं मार्जिन्स रहे हैं वो हाल ही के टाइम में उतने अच्छे नहीं रहे हैं अगर हम प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करें। प्राइवेट प्लेयर्स के 20 से 25% तक के रहे हैं जबकि एलआईसी के 9% से 10% के बीच में रहे हैं। तो ये एक और नेगेटिव चीज है एलआईसी के बारे में। ओवरऑल तो अच्छा है लेकिन कंपेयर करने पे फिर नेगेटिव लग रहा है प्राइवेट कंपनियों से कंपेयर करते हैं जब हम। लास्ट एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, बैलेंसिंग बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। देखिए एलआईसी का क्या करते हैं, एलआईसी शेयर करती है अपना 95% ऑफ इट सरप्लस प्रॉफिट विद पॉलिसी होल्डर, जो अभी तक करती आई है, जो आपको एफएबी मिलते हैं, बोनस मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो एलआईसी अपने प्रॉफिट में से आपको देती है, लेकिन अभी तक पॉलिसी होल्डर्स को वो मिल रहा था। लेकिन जो शेयर होल्डर होंगे जरूरी नहीं है कि वो
पॉलिसी होल्डर भी होंगे। कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एलआईसी का कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो क्या एलआईसी फ्यूचर में उनको भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देगी, उसको डिविडेंड बोल सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये एक सोचने वाली बात रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल सी बात है, फिर एलआईसी के पॉलिसी होल्डर का जो बोनस है वो कम हो जाएगा, और अगर बोनस कम होता है, मैच्योरिटी की वैल्यू कम होती है, तो कहीं ना कहीं फिर पॉलिसी होल्डर्स के मन में भी वो चीज आती है कि हम एलआईसी को क्यों चुने, क्योंकि उनके रिटर्न कम हो रहे हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव बात है जो उभर के आ रही है एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे अच्छे से समझ आए होंगे। अब लास्ट हम बात करते हैं, शुड यू सब्सक्राइब। देखिए पहले तो ये लाइन आप पढ़ लें प्लीज, द व्यूज एंड इन्वेस्टमेंट टिप्स आर पर्सनल एंड वी एडवाइस यूजर टू चेक विद द सर्टिफाइड एक्सपर्ट बिफोर टेकिंग। देखिए मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये बताना नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जिन चीजों के बेस पे आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना। मैं अपना पर्सनल व्यू जरूर बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको मानना नहीं मानना वो आपकी समझदारी के ऊपर है। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो चीजें होती है इन्वेस्ट करने, जब हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एलआईसी के आईपीओ में, ये मैं एकदम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड जरूर है, क्योंकि जो मैंने आपको चार चीजें बताई नेगेटिव, वो चारों चीजें ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचा सकती है। तो ये चीजों को देखकर समझकर फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इससे आईपीओ में इन्वेस्ट करने से दूर रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, आपको आईपीओ का अगर लोट मिलता है, आपने वहां से प्रॉफिट बुकिंग किया और आप एग्जिट कर गए एलआईसी के शेयर से, तो ये आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि बहुत सारे लोग एलआईसी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हैं, अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो अच्छा गेन आपको मिल सकता है इसमें इन्वेस्ट करने से, तो शॉर्ट टर्म एक अच्छा ऑप्शन है। फिर भी जो भी दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में कुछ भी कन्फर्म कहना मतलब अभी अगर 20 दिन बाद की भी बात करें हम, तो कुछ भी कहना अभी नामुमकिन सा थोड़ा लगता है, तो शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट नहीं करना है या करना है ये थोड़ा सा जब आईपीओ आएगा उस टाइम पे भी आपको डिसीजन लेना है, बट अदरवाइज अगर सब्सक्राइब अच्छा होता है तो मेरे हिसाब से इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये था एलआईसी के आईपीओ के बारे में, आज हमने बात करी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव और क्यों इन्वेस्ट करें उसमें। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप एलआईसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा है और उनको इंश्योरेंस अवेयरनेस के नोट्स चाहिए, तो वो नोट्स हमने बनाए हैं 30 दिन का, उसमें आपको बोनस मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा उसमें साथ में। तो अगर वो नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट में दोस्तों यही बोलूंगा, देखो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा हुआ होगा। हमारा मकसद यही रहता है कि हम आपको साफ सुथरी और अच्छी जानकारी दें, और बदले में आपसे सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि जो ये सब्सक्राइब का बटन है ये दब जाना चाहिए। तो दोस्तों हमारा एम यही है कि जल्दी से जल्दी पहले हम 6000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पोस्ट करने के बाद वो चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि हम भी आपको फिर इसी तरीके से अच्छा कंटेंट आगे भी देते रहे। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और प्रीमियम मेंबरशिप भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे अब एक्टिव है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।